वेलकम टू डीवी स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 20x40 फीट हाउस की, जिसका स्क्वायर फीट में एरिया है 800 स्क्वायर फीट एंड गज में बात करें तो अराउंड ये 90 गज का एरिया है। ये एक डुप्लेक्स घर डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पर 1 BHK दिया हुआ है विद कार पार्किंग एंड हमने फर्स्ट फ्लोर पर इसमें 2 BHK दिया हुआ है। आगे चलते हैं और कर लेते हैं हम डिजाइनिंग की बात इसकी। इन प्लान के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको PDF फॉर्मेट में ये प्लान मिल जाएंगे। ये घर मॉडर्न लुक में डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रिक जालीज दिख जाती हैं। ये ब्रिक क्ले जाली है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस प्लॉट के तीनों साइड अदर्स प्रॉपर्टी है। घर में एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एंट्रेंस और पार्किंग एक साथ। ये है हमारे घर की मेन एंट्रेंस। एंटर करते ही हमें यहाँ पर मिल जाता है एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में यहाँ पर आपको ये मिल जाता है छोटा सा एक पूजा एरिया। इसी से अटैच आपको मिल जाएगा एक कॉमन वॉशरूम। ड्राइंग रूम से ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक बेडरूम मिल जाता है आपको। इस बेडरूम में सारी चीज दी हुई है, कवर्स दी हुई है, टीवी यूनिट दिया हुआ है, ड्रेसिंग यूनिट दिया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ये सारे चीज़ें, सारे वॉशरूम्स आपकी वेंटिलेटेड हैं एक शाफ्ट से, आप प्लान में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ बाहर की साइड स्टेयरकेस के साइड से निकलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है मॉड्यूलर किचन। अब ये स्टेयरकेस हमारा जाता है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर एंटर हुए लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ चलेंगे तो सबसे पहले एक ये लिविंग रूम टाइप स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर कॉमन स्पेस है, सिटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, टीवी यूनिट भी लगा हुआ है। यहाँ पर एक कॉर्नर में आपको शेल्फ्स मिल जाती हैं और ये आपका स्पेशल एरिया, लाइक ये एक हैंगिंग चेयर है, यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब इसी लिविंग रूम से पीछे की साइड चलेंगे तो सेम बेडरूम साइज मिल जाएगा जैसा कि नीचे था। अभी इसमें भी आपको सारी चीज मिल जाती है, कबर्ड, टीवी यूनिट। अब इसमें ड्रेसिंग यूनिट की जगह यहाँ पर स्टडी टेबल है। फिर से इसी बेडरूम के साथ एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है यहाँ पर। इसी लिविंग रूम से आगे की साइड चलेंगे तो यहाँ पर एक और बेडरूम मिल जाता है, जैसा मैंने बताया था फर्स्ट फ्लोर पर 2 BHK है। इस बेडरूम में भी आपको मिल जाते हैं कबर्ड और यहाँ पर एक टीवी यूनिट। आप हर रूम में फॉल सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं, काफी यूनिक बनाए हुए हैं। ये आपको एक एरिया मिल जाता है जो वेंटिलेशन दे रहा है, लाइट दे रहा है और काफी अच्छा लुक भी दे रहा है। इसी के साथ एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है इस रूम में भी, तो ऊपर के दोनों बेडरूम्स में अटैच वॉशरूम्स हैं। अब इसी हॉल से या फिर हम कहेंगे ग्राउंड फ्लोर से जब ऊपर आए थे तो राइट साइड में आपको एक डोर दिखा होगा। ये डोर हमारा बाहर के टेरेस पर जाता है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। एक छोटा सा एक हॉल है खुला, जहाँ पर हम सिटिंग कर सकते हैं, इसको बालकनी भी हम बोल सकते हैं।
अभी फर्स्ट फ्लोर से हम स्टेयरकेस से ऊपर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा टेरेस, क्योंकि ये डुप्लेक्स था, दो ही फ्लोर हमने बनाए थे। इसमें टेरेस काफ़ी बड़ा मिल जाता है, यहाँ पर प्लांटेशन रखे हुए हैं और ये बैक साइड में भी स्पेस मिल जाता है क्योंकि हमारी बीच में तो ममटी आ गई है। अब आगे की साइड चलते हैं। इसमें आगे यहाँ पर फ्रंट में ये कवर किया हुआ है और यहाँ पर ये सिटिंग दी हुई है, यहाँ पर सिट कर सकते हैं हम, और ये कवर्ड भी है तो इसमें दिक्कत नहीं है कभी बारिश वगैरह आती है। तो यही था हमारा ओवरऑल डिज़ाइन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपने डीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे फ़ायदा आपका ये होगा, जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।